नमस्कार, मैं अंकित श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एंकर अयोध्या सामाजिक सरोकार से जुड़ी संस्था रघुवंशी अयोध्यावासी सेवा संस्थान का उद्घाटन समारोह स्थानीय नाका बाईपास स्थित माधुरी लॉन में संपन्न भी हुआ। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि रहे साकेत महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अजय मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि समाज कार्य में लगे किसी भी व्यक्ति को सामर्थ्यवान तथा पावन चित वाला होना चाहिए। इसके लिए तपस्या, उच्च चरित्र, मूल्य आधारित कर्मों तथा समाज कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम में समाज सेवी शरद पाठक बाबा व महंत ब्रजमोहन दास ने भी अपने विचार रखे। संस्था के संरक्षक अमित शंकर ने अतिथियों का स्वागत किया तथा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष लवकुश ने संस्था के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में इंद्रेश चौरसिया, एडवोकेट अतुल यादव, संतोष चौरसिया, राजकुमार सचिन के अलावा रजनीश राज, राजेंद्र कुमार, सूरज सिंह, प्रमोद सिंह, चंदन सिंह, रामशंकर, अजय विश्वकर्मा, राहुल चौरसिया, रवि मौर्या, मनीष, रमेश, निखिल के अलावा महिला प्रकोष्ठ की प्रियंका मिश्रा तथा भारतीय जनता पार्टी की मंजू गुप्ता, लक्ष्मी सिंह आदि नेत्री उपस्थित रही। जय जय सियाराम। सर्वप्रथम हम आप सभी पत्रकार बंधुओं से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और आज जो ये कार्यक्रम था, ये रघुवंशी अयोध्यावासी सेवा संस्थान, शॉर्टकट में कहें तो RASS, आर से रघुवंशी, ए से अयोध्यावासी, यस से सेवा और यस से संस्थान। इस संस्थान का आज औपचारिक उद्घाटन था। ये उद्घाटन इसलिए रखा गया कि जनमानस इस संस्थान से जुड़ सके और जिससे आगे अधिक से अधिक समाज की सेवा हो सके। ये संस्थान का मूल उद्देश्य हमने जो बताया इसके पहले, ये हर क्षेत्र में जाति, मजहब, धर्म से उठ करके हमारा संस्थान ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आगे चल के कार्य करेगा। अभी हमारी जो लॉन्चिंग थी ये अयोध्या जिला और लखनऊ जिला का था। आगे प्रस्तावित 5 जिलों की लॉन्चिंग जल्द ही होगी, लेकिन उससे पहले संस्थान के द्वारा यहाँ प्रत्येक क्षेत्रों में कुछ ना कुछ कार्य हो जाए जिससे लोगों की कनेक्टिविटी बन जाए। मैं इस संस्थान का अध्यक्ष और संस्थापक लवकुश नाम है हमारा भाई साहब,